हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है फिल्म स्ट्रिप तथा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। एपिडाइस्कोप के प्रयोग में आने वाली स्लाइडों का बोझ काफी होता है। उन्हें रखने के लिए यथेष्ट स्थान की आवश्यकता होती है तथा भेजने में उनके टूटने का भी भय रहता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिल्म स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। एक ही पार्ट से संबंधित 15-20 स्लाइडों को 35 मिलीमीटर की फोटोग्राफी की फिल्म पर उतार लिया जाता है। इसी का नाम फिल्म स्ट्रिप है। इसको प्रकाशीय अंतराल प्रोजेक्टर में रखकर अध्यापक एक बटन को हिलाकर छात्राओं को एक के बाद दूसरा चित्र दिखा सकता है और अपनी इच्छा अनुसार किसी दर्शक को पर्दे पर स्थिर करके उसके बारे में बता सकता है। गृह विज्ञान या अन्य कोई भी सब्जेक्ट या विषय शिक्षण में एपिस्कोप व एपिडाइस्कोप की भांति इसका भी यथेष्ट महत्व है। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के द्वारा जब शिक्षक छात्रों के सामने दिखाता है तो विषय से संबंधित विभिन्न सूचनाएं, प्रक्रियाओं तथा खोजों आदि के विषय में सरलता से ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप रील का एक अंश होता है जिसमें वांछित विषय वस्तु प्रकरण के विषय में क्रमवार अनेक चित्र संदेश प्रदर्शित किए जाते हैं। फिल्म स्ट्रिप पारदर्शी या पारदर्शक सेलुलाइड की बनी होती है जिसे रोल करके सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप को चलचित्र यानी फिल्म की भांति नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पहले मूक फिल्म स्ट्रिप बनाई जाती थी, अब ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा कमेंट्री भी इनके साथ साथ दी जाती हैं जिससे इनका प्रदर्शन अधिक सजीव और रोचक हो जाता है। आजकल जो फिल्म स्ट्रिप में उपलब्ध है उनके साथ शिक्षण सामग्री का विवरण भी अलग से एक मुद्रित पुस्तिका के रूप में दिया होता है जिसे पढ़कर शिक्षक अधिक क्षमता के साथ तथा अधिक आत्मविश्वास के साथ छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप दिखाने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह फिल्म स्ट्रिप के प्रदर्शन तथा अपनी कमेंट्री का पूर्वाभ्यास अवश्य कर लें ताकि फिल्म स्ट्रिप का प्रभावशाली प्रदर्शन किया जा सके तथा प्रदर्शन के पश्चात पर चर्चा का आयोजन भी अवश्य करना चाहिए जिसे ओपन सेशन के रूप में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के संचालन में शिक्षक को निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए ये नितांत आवश्यक हो जाता है। देखेंगे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, जैसा अभी बताया गया था कि फिल्म स्ट्रिप के प्रदर्शन के लिए फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। इस प्रोजेक्टर का संचालन अति सरल है। इसमें स्ट्रिप ऊपर से न लाकर एक और साइड से अंदर डाली जाती है। शिक्षक को पहले से इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि प्रोजेक्टर का फिल्म सेंटर या फिल्म कैरियर कैसे खोला जाता है और कैसे उसमें फिल्म लगाई जाती है यानी कि फिक्स की जाती है। इसके लिए जो है विभिन्न प्रोजेक्टरों में विभिन्न विधियां होती हैं। कहने का तात्पर्य तो ये है कि अलग अलग कंपनी के प्रोजेक्टर होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोजेक्टर होते हैं और उनकी विधियां भी अलग अलग तरह की होती हैं। आजकल मार्केट में नए नए तरह के प्रोजेक्टर आ रहे हैं तो उसी के अनुसार उनकी विधियां भी उनकी गाइडलाइन रहती है। तो शिक्षक को इस विषय में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए कि ये फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किस तरह से यूज किया जाता है। कोहली महोदय ने इसके संचालन के विषय में कहा है, इन ऑल सच अरेंजमेंट टू व्हील्स आर प्रोवाइडेड टू क्लैंप द एज ऑफ द स्ट्रिप इन इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू डिस्कवर एट विच एंड ऑफ द स्ट्रिप इट इज टू बिगिन द पिक्चर इज अलाउड टू मूव इन द सेम वे एज द स्लाइड्स द रोल ऑफ फिल्म स्ट्रिप इज प्लेस्ड अबव द कैरियर एंड इट फॉलोज डाउनवर्ड्स Focusing is done by moving the objective lens. It is generally
operated by hands and the teacher can stop wherever he likes to explain and discuss about a particular aspect of topic. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये टाइप्स ऑफ फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर. तो ये तीन भागों में विभाजित किया गया, तीन प्रकार के होते हैं. वैसे कई प्रकार के होते हैं लेकिन मुख्य तीन प्रकार के जो शिक्षण के क्षेत्र में काम में लाए जाते हैं. पहला है मायादीप, मैजिक लैंटर्न. इसमें कांच की साधारण पट्टी पर शिक्षक इच्छा अनुसार इंक से चार्ट या चित्र साधारण पारदर्शिता में बनाकर दिखाता है या दिखा सकता है. इसके बाद कांच को धोकर दूसरा चार्ट या चित्र बनाकर उपयोग में लाया जा सकता है. कहने का तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा कम खर्च आता है और इसी को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है. दूसरा पॉइंट है अपार चित्रदर्शी, एपिडाइस्कोप पारदर्शी होता है लेकिन अपारदर्शी के लिए एपीस्कोप कहते हैं. कहने का तात्पर्य यह है एपीस्कोप एक आधुनिक प्रोजेक्टर है जिसमें कागज पर अंकित तस्वीरें, पुस्तक का पृष्ठ, रेस की कतरन, चट्टान जैसी ठोस चीजें भी सरलता से प्रदर्शित की जा सकती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है पारदर्शी या पारचित्रदर्शी एपिडाइस्कोप. यह प्रोजेक्टर का नवीनतम एवं परिष्कृत रूप है. इसके द्वारा मानचित्रों, चित्रों, रेखाचित्रों, छपे हुए कागज के टुकड़ों को बड़े आकार में दिखाया जा सकता है तथा पारदर्शी सामग्री नहीं, इसमें अपारदर्शी सामग्री के साथ साथ स्लाइडों एवं फिल्म पट्टियों को भी प्रक्षेपित किया जा सकता है. अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्टर की शैक्षिक उपयोगिता क्या है. प्रोजेक्टर की उपयोगिता, इनके उपयोग से बालकों का ध्यान विषय पर केंद्रित किया जा सकता है तथा उसमें विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है. इसमें सूचनाओं, तथ्यों एवं घटनाओं के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है. इसके उपयोग से विषय का सुबोध, रोचक एवं प्रभावशाली विषय को बनाया जा सकता है. प्रोजेक्टर शिक्षक एवं छात्रों को समस्या के समाधान में सामूहिक रूप से कार्य करने के अवसर प्रदान करता है. इसके द्वारा प्रक्षेपित की जाने वाली साहित्यिक सामग्री को सरलतापूर्वक संकलित किया जा सकता है. इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है. एपिडाइस्कोप के प्रयोग के समय कुछ बातों को शिक्षक को अवश्य ध्यान रखना चाहिए. जहां पर इसका प्रयोग किया जा रहा हो वहां पर जो वातावरण है वहां पर पूर्ण अंधकार होना चाहिए. जिन वस्तुओं का प्रक्षेपण किया जा रहा है उन्हें बहुत ज्यादा देर तक लैंप के हेड पर नहीं रखना चाहिए. इसके प्रयोग के पूर्व इसके उपयोग की विधि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और प्रदर्शन से पूर्व एक दो बार रिहर्सल कर देना चाहिए. फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर एक दृश्य सामग्री है इससे जिसमें कि इंद्रियों का प्रयोग होता है. अर्थात इस सामग्री के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने में दृश्य इंद्रिय अर्थात आंख का प्रमुख हाथ होता है. इसलिए सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करना चाहिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.